मंदसौर नीमच जिले के पुलिस अधीक्षकों को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक। कठोर शब्दों में पुलिस प्रशासन तथा अधिकारियों को दी खुली चेतावनी। अफीम के झूठे मामले में किसी को फंसाया तो वे नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, सीधे बर्खास्त किए जाएंगे। आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मंदसौर से बंटू यादव संवाददाता के साथ। मंदसौर नीमच जिला अत्यधिक अफीम उत्पादक क्षेत्र है। अफीम और डोडा छुरा की तस्करी होना भी स्वाभाविक है। नीमच और मंदसौर जिले में कई सालों से ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जमे हुए हैं जिनका स्थानांतरण हो भी जाता है, लेकिन अफीम और डोडा छुरा तोड़बट्टे के मामले में उनके मुंह पर लगी चासनी आखिर उन्हें खींच लाती है। वे जोर तोड़ कर फिर से नीमच और मंदसौर जिले में स्थानांतरण करवा लेते हैं। नीमच और मंदसौर जिले में कई ऐसे अधिकारी और एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हैं जिनका स्थानांतरण कई बार हुआ और वे वापस आ गए। बीते दिनों नीमच में रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल को अफीम के झूठे मामले में फंसाने का मामला सामने आया था। सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक मामला पहुंचा। सीएम श्री चौहान ने अफीम के मामले में झूठे केस में फंसाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। नीमच और मंदसौर से उन्हें खबरें मिली हैं, अगर ऐसा किया तो वे नौकरी करने लायक नहीं रहेंगे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। चेता रहा हूं कि इस आड़ में कोई गड़बड़ ना कर ले। पिछले दिनों नीमच जैसे जिलों से जो खबरें आई वो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी कि अफीम के मामले में किसी से उलझा के और पैसे वसूलने की कोशिश करो। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, सेवा के लायक नहीं मानेंगे। मंदसौर से भी इक्का दुक्का खबरें मेरे पास आई, तोड़ा फोड़ा क्या होता है इस तरह की चीज कोई, अब मेरे पास जानकारियां इधर उधर से मिल रही है मुझे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग शासकीय सेवा में नहीं रहेंगे, उनको हम बर्खास्त कर देंगे सीधा।